आपको ये बात नहीं होगी, ठीक है ना? ठीक है, अजान हो गई ना? सिलसिला बढ़ाते हुए आपने बहुत इंतजार भी किया, जाहिर है फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इंतजार निगाहें मर्द मोमन से बदल जाती हद तक दी गई, गुलामी में कम आती है शमशीरें न तक दी गई, वो शौकी यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। भगवान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो मैं दावत दूंगी जो सदर डिस्ट्रिक्ट गुजरात। मैं थोड़ा सा बयान ये करता हूँ, कुछ तो मैडमों ने बयान कर दिया है, लेकिन जो थोड़ी सी कमी रह गई है वो मैं पूरी कर देता हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। इंसान को बराबरी के साथ अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। आगे उसके बाद हम कुछ इंसानों में से हमने ऐसा किया है कि कुछ अपनी मेहनत और जदोजहद की वजह से आगे निकल गए और कुछ सब इंसान बराबर हैं, लेकिन ये आगे और पीछे का मसला जो है तरक्की करती है जो मेहनत और जदोजहद करती है, चाहे कोई तरक्की मंजिल उसने पाई है जिसने जदोजहद की है और मेहनत की है। यूपी से देखा है पैरामेडिकल को, उन्होंने मेहनत की है, नौ बरस उन्होंने वर्क किया, कोई मुश्किल काम होता है जैसे कि अभी मैडम ने समाज बयान कर रहे थे कि मुश्किल काम जो है नेशनल के लिए इस्लाम सही क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि ये हमारी अपनी कमजोरी है, जो वर्ग के हमारी हमाशी की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। जिन्होंने यह सर अपना लिया, जिन्होंने यह सर अपना लिया, यह सिर्फ पीछे रहने के लिए होते हैं। एक जगह पे बैठता है, एक जगह पे बैठ के काम करता है, उस पर बच्चे जो है टीके लगवाने वाले होते हैं, मीडिया इस घर को लेके आती है, वो वैक्सीन होता जो लेकिन वो पेड़ 13-14 हजार रूपये ले रहा है और हर महीने ले रहा है। तो हम नेशनल प्रोग्राम ले भी हम जदोजहद नहीं करते, हम किसी से मांगते नहीं, चुप रहते हैं, जो भी हो जाता है ठीक है। ये सब हमारी नसीहत ये है, इसी का अपना हम जो हमें मिल रहा है हम इसी का अपना है। अगर स्कूल में तालीम देने वाला एक टीचर बच्चों को जो तालीम देता है उसको स्केल दिया जाता है, उसको मिली जाती है, और क्यों? क्योंकि वजह हमने आपको बता दिया कि क्योंकि वजह हम सब खुद हैं, हमारी वजह अपनी कमजोरियों की वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। तो ये अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ये आगे भी होता रहेगा, इसके लिए आपने हमने आवाज उठानी है, उठना है, उठकर चलना है, हम सब ने एकता करना है। एकते में सारी बरकत है, एकते में ही कामयाबी है। तो एकता जो काज थी, जो वजह यकजहती थी, जो आपकी सोच थी, जो आपकी मंजिल थी, जो नुक्ता नजर था, वो एक था कि अपना हक लेना है, खा हमें इनके गिरेबान पकड़ कर लेना हो, खा हमें रोड पर जाकर लेना हो, खा हमें किसी सेक्रेटरियट से किसी बड़े अफसर से जाकर अपने मुताबिक के लिए जंग लड़नी हो, हम लड़ेंगे। आपके साथ ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है, मुझे वो दूर भी याद है या मेरी आप बच्चा घर छोड़कर सर्दी के मौसम में ये कौमी खिदमत एक कौमी फरीजा समझ कर देती हैं, तो इनकी ड्यूटी पर मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और सलूट पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। अभी फोटो
सेशन के लिए आला चश्मे खरीदे हैं, गागल भी खरीदा दिया, मेरा गागल बने बन गए हाँ सात साल करवा के अभी इनकी एक फोटो ले दे तो फिर ये ना इन भाई को दे दे नहीं नहीं आप इस अपने आप से आ गए हाथ ऊपर कर ले हाथ ऊपर कर ले आप तरफ ले लीजिए चलो नेशनल प्रोग्राम को रेगुलर करें नेशनल प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम का नौशी कतल नेशनल प्रोग्राम का नौशी कतल नेशनल प्रोग्राम का नौशी कतल नेशनल प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम को इधर से तो हाथ है कोई नहीं का नौशी कतल नेशनल प्रोग्राम का नौशी कतल इंसाफ में तो है इंसाफ से इनकार चीफ जस्टिस हाँ इंसाफ में तो है इंसाफ से इनकार जिंदाबाद नहीं हो सुप्रीम कोर्ट नेशनल प्रोग्राम का मौशी कतल नेशनल प्रोग्राम का मौशी कतल नेशनल प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम का मौशी कतल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बस ठीक है अपने तो दे ही देते हैं चार दिन बाद एक बढ़ने दो फ्लाई करते हैं एक बढ़ने की लाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे कि आपको पता है आज हमारी पंजाब लेवल की नेशनल प्रोग्राम ब्राय खानदानी मंसूबबंदी का बुनियादी सिरे की मीटिंग है एक नुकाती एजेंडा है हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वजीर आजम से सदर साहब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वजीर आला पंजाब से कि नेशनल प्रोग्राम के तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए अगर हम लोग मुस्तकिल हो जाएंगे तो हमारे ये तमाम जिमनी मसाइल जो हमारी तनख्वाहों के पेट्रोल के और दीगर अलाउंसेज के हैं वो इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएंगे तो हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ एक है कि 1.25 लाख लोगों को मुस्तकिल किया जाए थैंक यू वरुण पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि हमें सिर्फ बहाल किया जाए सॉरी बहाल किया जाए रेगुलर किया जाए ताकि हमारा गवर्नमेंट पाकिस्तान से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए पे स्केल दिया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों का पेट पाल सकें जनाब राणा सनाउल्लाह साहब से वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून से कि उन्होंने एक बार ये कहा था मीडिया पे कि हम सेहत की सहूलियात जो है वो आवाम तक पहुंचा रहे हैं बेशक राणा साहब आप सेहत की सहूलियात पहुंचा रहे हैं मगर जो लोग सेहत की सहूलियात लेकर जाते हैं लोगों तक आवाम तक जो लोग सेहत की सहूलियात लेकर जा रहे हैं वो तो भूखे मार रहे हैं सेहत की सहूलियात तो आप पहुंचा रहे हैं मगर उनका भी तो ख्याल करें जो सेहत की सहूलियात लेकर जा रहे हैं हमारा कुमते पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए हमें पे स्केल दिया जाए एक निकाती झंडा है पूरे पाकिस्तान का नेशनल प्रोग्राम का कि हमें रेगुलर किया जाए कुमते पाकिस्तान से हमारा सिर्फ कुमते पाकिस्तान से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए हमें स्केल दिया जाए आजम और सदर साहब से ये चाहते हैं कि हम तो 17 साल हो गए हैं वो काम कर रहे हैं हमकी एज भी ज्यादा हो गई है लेकिन हम तो ऐसी और भी कोई नौकरी ऐसी नहीं कर सकते हैं कि हमको मेहरबानी मुश्किल किया जाए सर नेशनल प्रोग्राम को अस्सलाम वालेकुम मैं लेडी हेल्थ सुपरवाइजर गुजरांवाला से रिप्रेजेंट कर रही हूँ हम लोग जो लोगों को सेहत की सहूलियात देते हैं
खुदारा हमारी अपनी सेहत दे और हमारे बच्चों की सेहत खराब हो रही है, हमारे पर रहम किया जाए और हमारी हमारे और हमारे बच्चों की सेहत का भी खास ख्याल किया जाए कि इन लोगों को भी सेहत की सहूलियात का फायदा होना चाहिए। हमें क्या फायदा है कि हम लोगों को सहूलियात दे रहे हैं और अपने और अपने बच्चों की सेहत को खराब कर रहे हैं। हमें हमारा जब राइट जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक हमारी से हमारी हमारा एहतजाज जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान से और पंजाब गवर्नमेंट से हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए, 17 सालों से जो महरूमी है उसको दूर किया जाए और ये हमारा हक है। हमें इन महरूमियों से आज़ाद करेंगे। हम किसी के बच्चों को तभी उनका हक दे सकते हैं जब हम अपने बच्चों को अपने पेट में रोटी डालेंगे, हमारी खत्म की जाएगी। और पंजाब गवर्नमेंट ये भी सुन ले, क्लियर कट ये बात सुन ले कि अगर हमारा फांसी बाइकाट किया जाएगा तो हम एक या दो या तीन लोग नहीं है, 1.25 लाख है पूरे पाकिस्तान में और हम सियासी बाइकाट करेंगे इंशाल्लाह। बिल किया जाए बस हमारा ये है। चीफ जस्टिस साहब से अपील करती हूँ कि खुदारा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ्तिखार साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ अपनी बहनों की तरफ से, सबसे ये पुरजोर अपील करती हूँ कि हमारे हाल पे रहम करे और हमें मुस्तकिल किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी हमारे हाल पे रहम करे। हम उनकी बेटियाँ हैं, हम उनकी कौम की माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं। खुदारा खाली पेट कोई काम नहीं कर सकता, खुदा के वास्ते हमारा हमें मुस्तकिल करें, हमें स्केल दें, हमारा यही मुतालबा है उनसे। शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ आकर मिलकर बैठने का और कोई नया लाया मल इख्तियार करने का, और जो तमाम मेहमान ने ग्रामीण दूसरे शहरों से आए हुए उनको भी गुजरात के इतिहास पे बैठ के बात कर सकें। उसके